बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हरमल की पहचान, हरमल का मिजाज, हरमल का इस्तेमाल और हरमल की मकदार खुराक। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। हरमल की पहचान। हरमल की बूटी एक झाड़ी की तरह होती है जो 1 फुट से 3 फुट बुलंद होती है। इसकी जड़ बहुत से घने पत्तों वाली शाखें निकलती हैं। पत्ते 2 इंच लंबे और नुकीले होते हैं। फूल लगभग गोल जिसमें 3 खाने होते हैं, जिसमें छोटे स्याही माइल भूरे तुख्म भरते हैं। फूल छोटे और फल चने के बराबर होते हैं। हरमल को जलाने से खास किस्म की बू आती है। ये नज़र उतारने और खुशबू के लिए जलाई जाती हैं। मिजाज। हरमल का मिजाज गर्म खुश्क दर्जा दोम है। हरमल का इस्तेमाल। हरमल को ज़्यादातर तकवियत बा के लिए इस्तेमाल करते हैं। दमा, खांसी, बलगम को खारिज करता है। असाबी दिमागी अमराज में मुफीद है। बहरेपन को, तखम, असपंद को रोगन जैतून में जोश देकर कान में कतरे डालने से बहरापन दूर हो जाता है। हैज़ को जारी करना। हरमल के बीज का सफूफ सोए के जुशांदे या अरक के हमरा दिन में 3 बार खिलाने से हैज़ जारी हो जाता है। तखम हरमल की दूनी दांत दर्द और नज़रबद ख्याल की जाती है। मकदार खुराक। हरमल को आप 2 से 3 ग्राम की मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ हरमल के बारे में इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आपने इसे ज़रूर लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़।